हेलो ऑल, वेलकम टू पेबल्स। तो जो हम लास्ट कर रहे थे वो कर रहे थे ये मैजिक पैटर्न, प्ले विथ नंबर्स पैटर्न का। इसमें क्या करना था, हमें हर लाइन में 15 लेके आना था सम टोटल। तो इस तरह से हमारा बॉक्स बना। आप देखिए, 5 + 1 6, 6 + 9 इज 15, 6 + 2 7, 6 + 2 इज 8, 8 + 7 इज इक्वल टू 15, 4 + 8 इज 12, 12 + 3 इज 15। तो हमने अपनी हर लाइन में 15 टोटल दे दिया है। तो ये हुआ हमारा मैजिक पैटर्न, जो हमने नंबर 1 to 9 यूज करके हमने एड अप कितना निकाला है, 15। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो होगा मैजिकल ट्रायंगल। तो इस तरह से मैंने एक मैजिक ट्रायंगल क्रिएट किया है। ये क्या है, इसमें मैं पहले कुछ नंबर्स फिल अप करती हूँ। तो आप देखेंगे जब भी हम इस ट्रायंगल का एड अप करेंगे, देखिए 3 + 5 इज 8, +1 इज इक्वल टू 9, और ये 3 + 4 इज 7, 7 + 2 इज 9, 6 + 2 इज 8, +1 इज 9। तो आप देखिए इस ट्रायंगल को आप कैसे भी एड ऑन करिए, ऐसे ऐसे या ऐसे, आंसर आपका आने वाला है 9। तो ये क्या हुआ, मैजिक ट्रायंगल, जिसमें आप कहीं से भी एडिशन करें आंसर आने वाला है 9। इस तरह से आपका और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर आंसर लाना हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नाउ यूज नंबर 1 to 6 टू मेक योर ओन मैजिक ट्रायंगल। अब आपको 1 to 6 नंबर यूज करके एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, जब आप उस नंबर को एंड करें तो आपका जो एडिशन करके नंबर आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। मतलब मैं आपको समझाती हूँ, ट्रायंगल क्या होता है, 3 इक्वल साइड्स। अब जब हम इस तरह से एडिशन करें, इस तरह से करें या इस तरह से करें, तो आंसर हमारा आना चाहिए 10। तो रूल है आफ्टर एडिंग आंसर शुड बी 10। सबका आंसर आना चाहिए 10। और हमें नंबर्स क्या यूज करने हैं, 1 to 6। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर्स मैंने लिख लिए हैं। जो सबसे पहले हमारा टास्क रहता है इस तरह के मैजिक ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए, वो रहता है कि हमें बड़े नंबर से रिड ऑफ होना होता है। मतलब अगर हमने बड़ा नंबर सेटल डाउन कर दिया ना, तभी हमारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो चलिए रिड होते हैं पहले बड़े नंबर से। अब बड़ा नंबर, इधर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6। 6 को या तो मुझे कुछ ऐसी फॉर्म में डालना पड़ेगा, या तो मुझे कुछ ऐसी फॉर्म में, या फिर कुछ इस तरह से, मतलब एंड में डालना पड़ेगा कि मैं बाकी नंबर्स के साथ सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं 6 यहाँ पे डालती हूँ, ठीक है, सपोज एन से शुरू कर रही हूँ, 6 मैंने यहाँ पे डाला, तो 6 मैं यहाँ पे डालती हूँ तो मुझे उसके अपोजिट साइड में 5 डालना होगा। मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती, यहाँ पे नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर आप 6 एंड 5 देखेंगे तो वो हो जाएगा 11। तो 11 तो हमें चाहिए नहीं, सब 10 ही चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 5 डालती हूँ, ओके, 6 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ पे हो गया, तो अभी क्या बचेगा। अभी अगर मैं इस तरह से टोटल करूं 10 का, तो 5 के साथ मुझे अगर एक और 4 मिल जाए और 1 मिल जाए, ये हो जाएगा 10, ओके। और यहाँ पे फिर मुझे क्या रह जाएगा, 6 + 1 7, क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा, एंड 3 और चाहिए होगा मुझे 10 के लिए। तो ठीक है, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 हो गया, 3 हो गया, और आपका हो गया। तो यहाँ पे टोटल में प्रॉब्लम आएगी मुझे, मेरा जो ये वाला टोटल है वो मुझे तंग करेगा, इसलिए मैं थोड़ी पोजीशंस बदल के देखती हूँ।
बट हमेशा ट्राई कीजिए कि बड़े नंबर से ही आप शुरू कीजिए। तो मैं 6 को यहाँ प्लेस करती हूँ, ठीक है? तो अगर 6 को यहाँ प्लेस किया तो ऑब्वियसली 5 यहीं पे आएगा, ठीक है? अब 5 यहाँ पे आएगा तो ये दो नंबर से तो मैं रीड हो चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं लेके आती हूँ 3, थोड़ा छोटा नंबर। तो 6 + 3 = 9, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, ओके? एंड 5 + 3 = 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2, पूरा हो गया। 5 + 2 = 7 + 3 = 10। अब यहाँ पे कौन सा नंबर रह गया है? 4। मेरा 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 ही रह गया। तो अगर मैं 4 यहाँ पे लिख देती हूँ तो हो जाएगा 1 + 4 = 5, 5 + 5 = 10। तो ये पूरा ट्रायंगल आपका रेडी हो गया है, जिसका आंसर आ रहा है 10, चाहे आप जहाँ से भी एडिशन कीजिए। तो सबसे पहली जो बात होती है, आपको सिर्फ ये जो बड़े नंबर है ना, इन्हें आप जगह पे लगा दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, बहुत सिंपल हो जाता है काम। तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा आप पहले उसे ट्राई कीजिए बॉक्स में फिट करने के लिए। आप चेक डाउन कर सकते हैं एक बार। आई होप सो अब तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नंबर टावर्स।